ओके सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम लोग करने वाले कंप्लीट इंडियन पॉलिटी फॉर एफकेट एंड सीडीएस। ये पार्ट वन है, दो पार्ट आएंगे, पार्ट वन एंड पार्ट टू। इसमें कंप्लीट इंडियन पॉलिटी हमारी हो जाएगी, उसके बाद और एक पार्ट आएगा जिसके अंदर में हम सारे PYQs MCQs करने वाले हैं। ओके सो आगे बढ़ते हैं। फर्स्टली सबसे पहले समझेगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था, और इसकी क्या स्टोरी रही है। सो द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन बाय M.N. रॉय इन 1934। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश इन अगस्त ऑफ 1940। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज सेट अप इन नवंबर 1946 एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। सो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया है, वो M.N. रॉय साहब लेके आए थे एंड उसको एक्सेप्ट किया था गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कब, अगस्त ऑफर के रूप में इन 1940। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज सेटअप इन, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब सेटअप हुई थी, नवंबर 1946 एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। देयर वेयर टू बी टोल्ड टोटल ऑफ 389 मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इनिशियली 389 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ऑफ विच 292 वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, स्टेट के 292 थे। 93 वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट, 93 प्रिंसली स्टेट एंड 4 वर फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविजंस। ओके, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वेयर 565 प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946 विद डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह एज इट्स प्रोविजनल प्रेसिडेंट। सो फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, वो थी 9 दिसंबर 1946। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, और तब हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया था, यानी कि कोई इलेक्शन नहीं हुआ था इनके प्रेसिडेंट बनने के लिए। वो सबसे बड़े थे पार्टी के अंदर में, इसलिए उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट उस समय के लिए बना दिया गया था। सो आपसे क्वेश्चन हो सकता है, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो इट इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की? 9 दिसंबर को। इट्स लास्ट सेशन वॉज हेल्ड ऑन, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का लास्ट सेशन है वो कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 का उसका लास्ट सेशन हुआ था। ओके, अब जो सेकेंड हमारी जो मीटिंग है वो कब होती है? 11 दिसंबर को होती है, और उसमें इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज सिलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। ओके, एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन बनता है? H.C. मुखर्जी वेयर इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट। H.C. मुखर्जी जो है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सिलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूट ऑन, फिर ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई जाती है 29 अगस्त 1947 में विद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज द चेयरमैन। सो हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, अदर मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी में कितने मेंबर्स है? 7 मेंबर है। कौन कौन है? इंक्लूडिंग एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर एंड मुंशी सैयद मोहम्मद सऊदुल्ला एंड माधवराव, ये सब है। माधवराव किसको रिप्लेस करके आए थे? B.L. मित्तल को। ये क्वेश्चन आ जाता है, माधवराव B.L. मित्तल को रिप्लेस करके आए थे। T.T. कृष्णमाचारी रिप्लेस्ड D.P. डीपी खतन। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टुक 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज टू कंप्लीट। कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा था? 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। ऑन 24 जनवरी 1950 जनगण मन एडॉप्टेड एज नेशनल एंथम। इंपॉर्टेंट डेट, 24 जनवरी 1950 जनगण मन वॉज एडॉप्टेड एज नेशनल एंथम। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशनल केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 बिकॉज ऑन दिस इज
1930 पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड. इसी दिन 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था, इसीलिए इसी डेट के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया. बट कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्शली लागू कब किया गया था अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949. इधर तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो चुका था. कितने दिनों बाद? 2 year 11 month and 18 days के बाद. ओके, नेक्स्ट. पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड इन इंडिया. नेशनल कांग्रेस INC 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे इन इंडिया. आपको पता है 26 जनवरी रिपब्लिक डे है. ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे आर्टिकल? 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे. आज 12 शेड्यूल्स है. प्रेजेंटली इट हैज, पहले जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 395 आर्टिकल थे. अभी प्रेजेंटली अमेंडमेंट हो के 448 आर्टिकल्स है. 22 पार्ट से 25 पार्ट्स बन चुके हैं एंड 8 शेड्यूल से 12 शेड्यूल्स हमारे यहाँ पे बन चुके हैं. नेक्स्ट, कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था कुछ कमिटीज भी बनी थी. कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज के बारे में हम लोग अभी पढ़ लेते हैं. द यूनियन पावर कमिटी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हेड की गई थी, उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, उसके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही. प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, उसके हेड थे सरदार पटेल. ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. कमिटी ऑफ फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज, उसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. माइनॉरिटीज के हेड, याद रखनी है ये सब चीजें. रूल ऑफ प्रोसीजर कमिटी, इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. स्टीलिंग कमिटी, इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके, नेक्स्ट. मेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज द बल्कीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. और ये रिटन, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इसमें. फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बाई बाइस है. फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज है. DPSPs है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है. इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. सिंगल सिटीजनशिप है. इमरजेंसी पावर है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है. ओके, सो आप पढ़ लेते हैं. सोर्सेस क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफी जगह से इंस्पायर होके बना है. कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या चीजें ली है ये अब डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं यूके की. यूके से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया है. पार्लियामेंट होना चाहिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. यूके से लिया है कैबिनेट सिस्टम, लिया है बाइकार्मल पार्लियामेंट. बाइकार्मल मतलब राज्यसभा लोकसभा दो ये है ना इसके लेवल. सो उसको बोलते हैं बाइकार्मल पार्लियामेंट. हमने यूके से लिया है CAG ऑफिस, सिंगल सिटीजनशिप, लॉ मेकिंग प्रोसीजर. ये सब चीजें यूके से ली गई है. यूएसए से क्या लिया है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल हमने यूके से लिया है. फंडामेंटल राइट्स हमने यूके से लिया है. फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. जुडिशियल रिव्यू. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दैट इज बोरोड फ्रॉम यूएसए. ओके, नेक्स्ट. रशिया और फ्रॉम यूएसएसआर. यूएसएसआर से लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल. ओके, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया है कॉन्करेंट लिस्ट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दो हाउसेस का ज्वाइंट सिटिंग. फ्रांस से लिया है रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द पार्लियामेंट. लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी कहाँ से? फ्रांस से. ये तो काफी आसान होगा, याद रखना. नेक्स्ट, जर्मनी से किया क्या लिया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द एमरजेंसी. ओके, कैनेडा से लिया है आइडिया ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर. आइडिया ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर. आयरलैंड से DPSPs लिए है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आयरलैंड से DPSPs लिए है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज. मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्ट करने का मेथड भी आयरलैंड से लिया गया है. नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका से लिया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होता है उसका प्रोसीजर साउथ अफ्रीका से लिया गया है. एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा के मेंबर को कैसे इलेक्ट करेंगे, वो जो प्रोसीजर है वो भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है. नेक्स्ट, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कितने पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में? कुल 22 पार्ट है. तो फर्स्ट पढ़ते हैं पार्ट वन. पार्ट
पार्ट वन में दिया गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि इंडिया के बारे में और इंडिया के अंदर में कितने स्टेट्स है उसके बारे में दिया गया है। सेकेंड में सिटीजनशिप है। थर्ड में फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है। ये याद आता है कई बार कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, सो इट इज इन द थर्ड पार्ट। ओके, डीपीएसपी जो है वो हमारे पार्ट फोर में है। पार्ट फाइव में यूनियन गवर्नमेंट के बारे में है। पार्ट सिक्स में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में डिटेल में लिखा गया है। पार्ट सेवन रिपील्ड हो चुका है अभी ये। ओके, पार्ट एट यूनियन टेरिटरीज के बारे में इसमें दिया गया है। पार्ट नाइन में पंचायत के बारे में दिया गया है। पार्ट टेन में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में। पार्ट इलेवन रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बारे में दिया गया है। ओके, पार्ट ट्वेल्व में फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स के बारे में दिया गया है। पार्ट थर्टीन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में दिया है। पार्ट फोर्टीन में सर्विस अंडर द यूनियन एंड इट्स स्टेट। पार्ट फिफ्टीन में इलेक्शन प्रोसीजर है। पार्ट सिक्सटीन स्पेशल प्रोविजन रिजर्वेशन के बारे में बात है। पार्ट सेवनटीन में ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट एटीन इमरजेंसी प्रोविजन। पार्ट नाइनटीन मिसलेनियस चीजें। पार्ट 20 अमेंडमेंट्स के बारे में है। पार्ट 21 टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। पार्ट 20 शॉर्ट टाइटल कॉमर्समेंट एंड अथॉरिटेटिव्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल्स के बारे में हम लोग पहले यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, फिर बाद में जो है धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ेंगे। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एडॉप्टेशन हैड ओनली 8 शेड्यूल्स टू विच 4 मोर वर एडेड। कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे एंड अभी जो है 4 और एड किए गए हैं। सो फर्स्ट फर्स्ट शेड्यूल फर्स्ट ओके, अब शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया गया है? नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट। ओके, स्टेट का नेम दिया गया है, उसके एक्सटेंट, उसकी बाउंड्रीज के बारे में दिया गया है। सेकेंड शेड्यूल में सैलरी एंड इमोलमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर जज एंड ऑडिटर जनरल, सबकी सैलरीज अलाउंस के बारे में दिया गया है। थर्ड शेड्यूल में ओथ के बारे में दिया गया, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, मिनिस्टर्स, जज एंड ऑडिटर जनरल, सभी के ओथ के बारे में दिया गया है। फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट इन दी राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब की बात की गई है। सिक्स्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है कि सिक्स्थ शेड्यूल में कौन से स्टेट की बात की गई है। कई बार क्वेश्चन आया है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, सेवेंथ शेड्यूल की बात करते हैं, डिस्टर्बेंस ऑफ पावर, इसमें पावर का डिवीजन दिया गया है, किस किस के बीच में, यूनियन यूनियन लिस्ट के बीच में, स्टेट के बीच में एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में सेवेंथ शेड्यूल। ओके, एट शेड्यूल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल द इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस गिवन इन द एट शेड्यूल। नाइन शेड्यूल टॉक्स अबाउट द वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन। ओके, टेंथ शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि किसी को इम्प्रीच कर देना किसी के पोजिशन पे अगर वो इलीगल तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहा है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ इन टेंथ शेड्यूल। इलेवेंथ शेड्यूल में पंचायत के बारे में बताया गया है, रूल लोकल गवर्नमेंट, रूलर लोकल गवर्नमेंट, पंचायत का ही दूसरा नाम है। सो इलेवेंथ शेड्यूल में पंचायत के बारे में पूरा बताया गया है। ट्वेल्थ शेड्यूल में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। अब हम लोग बात करते हैं प्रीएम्बल क्या है। ओके, इट इज अ प्रीफेस और द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। ओके, क्योंकि अगर आप प्रीएम्बल पढ़ लेते हो तो फिर आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है ये पूरा आपको नॉलेज हो जाएगा। ओके, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ द प्रीएम्बल। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये प्रीएम्बल किस से डिराइव होके बना है, ये बना है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से डिराइव होके। एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने लेके आया था सामने, सो इट इज ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने लाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ही मॉडिफाई करके प्रीएम्बल बनाया गया। ओके,
and adopted by the Constitutional Assembly, ultimately by the preamble. The idea of preamble was borrowed from Constitution of USA. हमने देख चुका है, preamble जो है वो USA से हमने borrow किया है इसका idea. Next, the word socialist, secular and integral were added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. It is very important कि ये जो तीन words है ये किस amendment act से डाले गए हैं. Amendment ही सारे important है. So 42nd Constitutional Amendment Act से हमारा जो ये तीन words है socialist, secular and integral, ये जो तीन words है ये 42nd Amendment Act से डाले गए हैं. Next, अब बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की, जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की गई है. ये आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 कवर करता है. सो फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट. ये एक यूनियन ऑफ स्टेट है. एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट हो सकता है. द कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावर द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट एंड टू अल्टर द एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट. कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर है कि अगर वो किसी स्टेट का नाम बदलना चाहे या फिर बाउंड्रीज को बदलना चाहे तो वो बदल सकता है. नोट यहाँ पे क्या है, दो JNK रिकॉग्नाइजेशन एक्ट इन 1919, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज डिवाइडेड इन टू टू यूनियन टेरेटरीज, दैट इज द यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख एंड द यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ओके, अब पढ़ते हैं हम लोग सेकेंड हमारे पार्ट की तरफ में. जो हमारा सेकेंड पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर में सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है. सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 5 से लेके 11 के अंदर में लिखा गया है. तो इसमें क्या लिखा है, द सिटीजनशिप एक्ट इन 1955 प्रिस्क्राइब 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. 5 तरीके है क्या, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन. ये 5 तरीके हैं जिस तरीके से आप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को एक्वायर कर सकते हैं. बाय बर्थ, पैदा हुए तो. बाय डिसेंट मींस कि आप अगर यहाँ पे रहने की क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करते, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन. अब 3 मोड ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप क्या है, आपकी सिटीजनशिप कब चली जाएगी, बाय रिनोकेशन, बाय टर्मिनेशन, बाय डिप्रीवेशन. 2 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, मेंबर ऑफ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, फारसी एंड क्रिश्चियन रिलीजन, माइनॉरिटीज फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हु एंटर्ड इंडिया बिफोर 31st December 2014 विल बी गिवन इंडियन सिटीजनशिप. तो ये इन जगह से आए हुए लोग, किसी भी माइनॉरिटी, अगर हमारे इंडिया के अंदर में इन्हीं सबको माना जाता है, सिख, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, फारसी हो गए. सो ये अगर इंडिया के अंदर में 31st December 2014 के पहले आए हुए हैं, सो इनको इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. ओके, नेक्स्ट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट के बारे में ये कहता है. और ये फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है. फर्स्ट फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है. सो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 14 की. आर्टिकल 14 में लिखा क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी इक्वल है. आर्टिकल 15 की बात करते हैं. आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ. किसी इन सब के बेसिस पे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, सो दैट इज रॉन्ग. ये कहाँ पे लिखा गया, आर्टिकल 15. आपको आर्टिकल के साथ में ये सब लर्न करना होगा. ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. आगे बढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम. ये आर्टिकल 19 टू 20 तक है. सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 की. सो प्रोटेक्शन ऑफ राइट अगेंस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, resistance and professional in article 19. protection in respect to conviction of offense article 20 ke andar mein likha gaya hai. article 21 protection of life and personal liberty. article 22 protection against arrest and detention in certain केसेस. इसके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन, यानी कि आप अरेस्ट होते हैं सो आपको ये राइट होता है कि आप जाने आप किस चीज के लिए अरेस्ट हुए. तो वही सब राइट्स इन आर्टिकल 21 में लिखा गया है. नेक्स्ट,
आगे बढ़ते हैं। दो हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स कवर हो चुके हैं। थर्ड फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। बात करते हैं आर्टिकल 23 की। सो प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 23 सेट प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी फैक्ट्रीज, किसी भी फैक्ट्री के अंदर में चिल्ड्रन का काम करने से रोक है। नेक्स्ट, ये आर्टिकल 24 में लिखा गया। नेक्स्ट राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है आर्टिकल 25 से लेके 28 के बीच में। फर्स्ट आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ, अरे कौन है, ओके ओके, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट वंस रिलीजियस बिलीव इन आर्टिकल 25। ओके, आर्टिकल 26 की बात करते हैं, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 27 फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कोई टैक्स नहीं लगेगा आप किसी रिलीजन को अगर आप उसको उसका प्रचार कर रहे हैं। सो ओके, आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सो प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 में लिखा गया है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर्टिकल 30 में, यानी कि अगर माइनॉरिटीज अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चालू करना चाहती है सो उनको राइट है कि वो कर सकती है। ओके, दैट इज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। राइट टू मूव टू अ सुप्रीम कोर्ट, ये हमें राइट देता है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाए अगर किसी भी हमने जो अभी जितने भी राइट्स पढ़े अगर उसका वॉयलेशन होता है तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाने की अधिकार है। ये कौन सा राइट देता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू मूव टू दी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड द हाई कोर्ट आर्टिकल 226 इन केस ऑफ वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। बी आर अम्बेडकर कॉल आर्टिकल 32 एज द हर्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु कॉल्ड द आर्टिकल 32 एज द हर्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर ने हर्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था आर्टिकल 32 को। ओके, फाइव राइट ऑफ हैबिस कॉर्पस एंड मैंडमस प्रोहिबिशन सेंटेंस और वट एवर। ओके, आगे बढ़ते हैं, दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं पार्ट सिक्स की तरफ, सॉरी पार्ट फोर की तरफ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब बात करेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक कवर करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर बोर्ड गाइडिंग प्रिंसिपल दैट स्टेट शैल कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इंचेंटिंग लॉज। देयर आर नन जस्टिकेबल इन नेचर आर्टिकल 36 एंड 37 डेफिनेशन आर एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेनिंग इन दिस पार्ट। सो अभी हम लोग आर्टिकल 36 से 51 सब ही को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आर्टिकल 38 टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट सोशल ऑर्डर विथ स्टैंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ओके, आर्टिकल 39 सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाई द स्टेट। आर्टिकल 40 टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। विलेज पंचायत को सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क टू एजुकेट एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 42 टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ। आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस ETC फॉर वर्कर्स टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है सिटीजन के लिए, यानी कि पूरे देश के अंदर में एक ही कोर्ट एक ही लॉ लागू होगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 45 प्रोविजन ऑफ अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years। आर्टिकल 46 टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल स्पेशली द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। आर्टिकल 47 इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड द प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक एंड ड्रग्स। आर्टिकल 48 दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि किसमें लिखा गया प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स, सो दैट इज इन आर्टिकल
47, आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न लाइन, आर्टिकल 49, टू प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस. देखो आर्टिकल में लिखा गया है कि मॉन्यूमेंट्स हिस्टोरिकल इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस के है, उसका प्रोटेक्ट करने का हमारा काम है. डीपीएसपी वो होती है जो कि फॉलो करना उतना मैंडेटरी नहीं है, बट फॉलो करना चाहिए हमें. एंड फंडामेंटल राइट आर कि उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी होता है. ओके कहा थे आर्टिकल 50, टू ब्रिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. आर्टिकल 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये थे हमारे डीपीएसपी आर्टिकल 38 से लेके 51 तक. अब आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे जो कि पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है. फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A के अंदर में आती है. फंडामेंटल ड्यूटी आर द एक्ट विच द सिटीजन आर सपोज टू परफॉर्म वाइल एक्सरसाइजिंग देयर राइट. इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इन 1976 द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी. स्वर्ण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके याद रखेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड. ओके ओरिजिनली देयर वेर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, बट 2002 By the 86th Constitutional Amendment Act, 11 fundamental duties were added. पहले 10 थी, अभी 11 हो चुकी है. ओके कौन से अमेंडमेंट एक्ट के बाद? 86th अमेंडमेंट एक्ट, याद रखेंगे 86th अमेंडमेंट एक्ट. पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं जो कि हमें यूनियन के बारे में बताता है. ओके सो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे प्रेसिडेंट की. यहाँ पे हम लोग प्रेसिडेंट की सभी बात कर लेंगे, मतलब क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, इसके इलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर टेंडर है, इम्प्रीचमेंट प्रोसेस, सॉरी प्रेसिडेंट का इम्प्रीचमेंट प्रोसेस क्या है, टेंडर क्या होता है, पावर और फंक्शन क्या है प्रेसिडेंट की, ये सभी बात कर लेंगे. इमरजेंसी पावर क्या है, वीटो पावर क्या है. सो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेसिडेंट. ओके प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है ऑफ द स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड इट ऑब्लिगेशन ऑन 54th जनरल नॉलेज. ओके ओके द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. हाउएवर 44th अमेंडमेंट एक्ट The word obligatory is added to the president can see the advice of the recollector. Okay, president ka jo रिक्वायरमेंट है वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत. 42nd अमेंडमेंट एक्ट प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट बताता है. इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 एज का होना चाहिए, 35 इयर्स इन एज, एलिजिबिलिटी टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड होल्ड मस्ट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. सो मेंबर होना चाहिए लोकसभा का, तभी वो प्रेसिडेंट बन सकता है. इलेक्शन क्या होता है? डायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू इलेक्शन कलीग कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्शन मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन. सो दोनों भी हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, और जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो दोनों, उनके दोनों के भी मेंबर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. ओके अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट के पास में कितना टेंडर होता है प्रेसिडेंट का. सो द टर्म इज 5 ईयर, दो देयर इज नो अपर लिमिट
ऑन द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन कैन बिकम अ प्रेसिडेंट. 5 ईयर का टेंडर होता है, एक बार अगर इलेक्ट होके आ गया तो उसके बाद में अगर वो वापस से बनता है तो उसमें कोई अपर लिमिट नहीं है कि वो 10 बार बन रहा है या फिर कितने बार भी वो इलेक्ट होके वापस से आ रहा है. इम्प्रीचमेंट प्रोसेस क्या है, निकाला कैसे जाएगा? इट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर. प्रेसिडेंट कैन बी इम्प्रीच ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 61 में दिया गया है कि वॉयलेशन अगर होगा तभी उसको निकाला जाएगा, और यह इम्प्रीचमेंट का प्रोसीजर आर्टिकल 61 में दिया गया है प्रेसिडेंट के इम्प्रीचमेंट का. ओके, द इम्प्रीचमेंट प्रोसीजर कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. इम्प्रीचमेंट का प्रोसेस किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, यानी कि राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों में भी. पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. पावर क्या है प्रेसिडेंट की और वो कैसे फंक्शन करता है? तो फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव पावर, ही अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. सभी को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड अदर एग्जीक्यूटिव हेड. ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. ओके. सेकेंड, लेजिस्लेटिव पावर टू सुमन और प्रोग्लिग्यू द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा. ही नॉमिनेटेड 12 मेंबर इन राज्यसभा, वेरी इंपॉर्टेंट, 12 मेंबर इन राज्यसभा एंड 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कमिटी इन लोकसभा, जो कि अभी नहीं है. अ बिल बिकम एन एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट ओनली आफ्टर इट रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के हाँ करने पे ही एक बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट होता है. फाइनेंशियल पावर क्या है? मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन. ही इंश्योर दैट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट इज लेड बिफोर द पार्लियामेंट. आर्टिकल 360 में इसकी बात कही गई है. कैन बी डिक्लेयर्ड व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड. ओके. इमरजेंसी पावर क्या है प्रेसिडेंट की? नेशनल इमरजेंसी वो लगा सकता है. इमरजेंसी एक्चुअली प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिक्लेयर की जाती है. सो कितने तरीके की इमरजेंसी होती है? 3 तरीके की. एक होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में दी गई है. कैन बी डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एजुकेशन और आर्म रेबेलियन. सो वॉर अगर हो रहा है, कोई अंदर में आर्म रेबेलियन हो रहा है, तो उसके ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है. कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 में दिया गया है, ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंट रूल. किसको बोला जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है ये. कैन बी प्रोक्लेम्ड ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म इन स्टेट. कॉन्स्टिट्यूशनल जब फेल हो जाता है तब इसको लागू किया जाता है. अभी कहाँ पे? प्रेसिडेंट रूल यानी कि आर्टिकल 356 को लागू किया गया है, आपको पता है, मणिपुर में. ओके. नेक्स्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में इसकी बात कही गई है. कैन बी डिक्लेयर्ड व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड. ओके. अब प्रेसिडेंट के पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वीटो पावर. वीटो पावर क्या है? 3 तरीके की होती है. फर्स्ट, एब्सोल्यूट वीटो यानी कि विथहोल्डिंग ऑफ एसेंट टू द बिल पासिंग बाय द लेजिस्लेटर. एब्सोल्यूट वीटो मतलब कि पूरी तरीके से मना कर देना. अगर कोई बिल पास हो गया है लोकसभा एंड राज्यसभा से और वो प्रेसिडेंट के पास आते तो वो उसको पास करने से पूरी तरीके से मना कर सकता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो. सस्पेंशन वीटो, सेंडिंग बैक टू ऑफ द बिल विच कैन बी सस्पेंडेड बाय द लेजिस्लेटर विद एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी. सो सस्पेंशन वीटो यानी कि वो बिल को वापस कर देता है कि भाई आप वापस से डिस्कस कीजिए लोकसभा एंड राज्यसभा के पास में, उसको बोलते हैं सस्पेंशन. नेक्स्ट होता है पॉकेट वीटो यानी कि बिल्कुल भी उस बिल के ऊपर में कोई एक्शन ही नहीं लेना, उसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं देना, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो. टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर. इट यूज्ड इन 1986 में इसको यूज किया गया था इन द केस ऑफ पोस्टल बिल बाय देन प्रेसिडेंट जीनल जैन सिंह. जीनी जैन सिंह थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था. अच्छा, पार्डनिंग पावर भी होती है प्रेसिडेंट के पास में जो कि आर्टिकल 72 के अंदर में मेंशन है. ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रैंड पार्डन टू द पर्सन हु हैव बीन टायर्ड एंड
कन्विंस्ड ऑफ सर्टिन ऑफेंस, किसी को वो माफ कर सकता है, उसको बोलते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब बात कर लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। सो आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेल्ड अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब आर्टिकल 63 में लिखा गया है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का। ही इज इलेक्टेड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ये इलेक्ट किया जाता है। क्वालिफिकेशन क्या है? वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो आपको राज्यसभा का एक्स वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, यानी कि राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में इसकी बात की गई है, क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट, प्रेजेंट सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 4 लाख पर मंथ, 4 लाख पर मंथ है प्रेजेंट सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगर हम लोग प्रेसिडेंट की बात करें तो उसकी है 5 लाख पर मंथ एंड वाइस प्रेसिडेंट की 4 लाख पर मंथ। द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर एस राधाकृष्णन। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? एस राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। द फर्स्ट एंड द ओनली वाइस प्रेसिडेंट हु डाइड इन ऑफिस वॉज श्री कृष्ण कांत। श्री कृष्ण कांत फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि ऑफिस के अंदर यानी कि उनकी ड्यूटी के दौरान वो मर गए थे। इन कब? 1997 एंड 2002 के बीच में। ओके, सो अब बात कर लेते हैं हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। सो आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो आर्टिकल 74 में ये लिखा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए विद द प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ताकि वो एडवाइस कर सके प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है, इट इज कंपोज ऑफ ऑल यूनियन मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म करते हैं। द अदर प्रेसिडेंट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 71, 75(1). यानी कि जो बाकी सारे जो मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, अ मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और बी इलेक्टेड विद इन 6 मंथ ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस अंडर आर्टिकल 75(5) के अंदर लिखा गया है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। इट मीन्स द लोकसभा कैन रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑफिस ऑफ पासिंग अ नो कॉन्फिडेंशियल मोशन। आर्टिकल 75(3) में दैट इज मेंशनड। मिनिस्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिपार्टमेंट एंड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाई द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दिस इज इसेंशियली इन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 75 सेकेंड पार्ट में लिखा है। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन है और उनकी क्या क्या पावर्स होती है? सो फर्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट का हेड होता है एंड Head of the Council of Minister. The Prime Minister is appointed by the President on the basis of being the leader of the majority party in the Lok Sabha. If no party gets an absolute majority in the Lok Sabha or the Prime Minister resists or dies, the President can use his own discretion in the choice of the Prime Minister. So, agar Prime Minister die kar jata hai, so President unki jagah pe unki power le sakta hai. एंड जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर के बारे में अभी इतनी ही चीजें हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर। ओके, कुछ फैक्ट रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। जैसे कि फर्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू हु was the first Prime Minister of India had the longest tenure, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सबसे लंबे समय के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे। कितने साल के लिए? 17 years। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी had died during office, यानी कि इनके जब ये प्राइम मिनिस्टर बने उस काल में ही इनकी मृत्यु हो गई। कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी। ओके, नेक्स्ट, वीपी सिंह 1990 में ये हमारे बने थे। एच डी देओल, गौडा एंड अटल बिहारी वाजपेयी हैज
to step down after vote of non-confidential from the post of Prime Minister. So इन सभी को Prime Minister की पोस्ट से हटना पड़ा था because वोट की कमी के वजह से. ओके, अब हम लोग बात करेंगे. सो तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था पॉलिटी का. अब सेकंड पार्ट में हम लोग जो बचे हुए टॉपिक्स है पॉलिटी के, वो सब पार्ट्स को कवर कर रहे होंगे. सो मिलते हैं अगले पार्ट में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.